आखिरकार जिसका डर था शायद वो हो गया है। जिससे दुनिया की महाशक्तियां बच रही थी वो ताइवान ने चीन के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन के साथ ही कर दिखाया है। ताइवान ने खुद को सुपर पावर बताने वाले चीन को उसकी औकात दिखाते हुए चीन के फाइटर प्लेन को मार गिराया है। वर्ल्ड वॉर 3 से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि एक एक अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान के एक चीनी फाइटर के मार गिराने की रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि चीन और ताइवान में से किसी ने भी अभी इस बारे में कंफर्मेशन नहीं दी है। टीवी रिपोर्ट्स में इस बात का दावा यह साफ कर दिया गया है कि ताइवान ने अपने एयर स्पेस में घुस आए चीन के सुखोई 35 विमान को मार गिराया। और बताया यह भी जा रहा है कि इस एक्शन के बाद फाइटर प्लेन में सवार पायलट काफी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। जानकारी यह सामने आ रही कि इस हमले में ताइवान ने अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। यह आपको बता दें कि अमेरिका अब ताइवान के साथ ड्रैगन के खिलाफ उतर चुका है और अगर चीन ने अब इस हमले के बाद कुछ भी रिटेलिएट किया यानी कोई भी जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई है कि अमेरिका चीन के खिलाफ इस युद्ध में कूद पड़ेगा। खबरों में इस बात का दावा किया जा रहा है कि ताइवान ने चीनी विमान को कई बार चेतावनी दी लेकिन उसके बाद चीनी विमान ताइवान के स्पेस में बना रहा और उसके बाद ताइवान ने उसको मार गिराया। बताया यह भी जा रहा है कि इस घटना में पायलट घायल हो गया है। अगर यह घटना सच साबित होती है तो दोनों ही देशों में जंग की नौबत आ सकती है, यानी कि अब दोनों देशों के बीच जंग किसी वक्त भी छिड़ सकती है। और आपको बता दें कि चीन पिछले कई दिनों से ताइवान के एयर स्पेस में अपने लड़ाकू विमान भेज रहा है। ताइवान ने चीन की किसी भी हिमाकत का जोरदार जवाब देने के लिए अपनी सैन्य क्षमता को और मजबूत करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इन सब के बीच आपको बता दें कि ताइवान ने पहले से ही अपने पासपोर्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना हटा दिया है, जिसके बाद से ही चीन काफी ज्यादा ताइवान के खिलाफ आग बबूला हो गया है और एक्शन की चेतावनी चीन की तरफ से दी गई थी। और अब क्योंकि ताइवान ने बड़ी कार्रवाई चीन के खिलाफ कर दी उसकी फाइटर जेट को मार गिराने के साथ ही, और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर इस कार्रवाई के बाद ड्रैगन ने कोई भी हिमाकत की, अगर कोई भी जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका ड्रैगन के खिलाफ यानी कि चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ने से भी नहीं चुकेगा। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज़ इन शॉर्ट।